हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इस सीलिंग फ़ैन को रिपेयर करना सीखेंगे। बट ये 50 वाट का सीलिंग फ़ैन है दोस्तों, नॉर्मल जो सीलिंग फ़ैन आपके घर में लगा होता है वही सीलिंग फ़ैन है। तो आज हम लोग जानेंगे कि इसमें क्या दिक्कत है दोस्तों। बस ये चल नहीं रहा है, इसकी कंटिन्यूटी को हमने जब चेक किया है, कंटिन्यूटी में केवल हमारे एक ही पॉइंट पर आ रहा है। अब ये रनिंग में आ रहा है कि स्टार्टिंग में आ रहा है दोस्तों, इसको खोल करके देखने के बाद ही पता चलेगा दोस्तों। फिलहाल ये कंपनी की वाइंडिंग है, क्योंकि देखिए इसमें रेड, येलो और ग्रीन कलर के वायर का प्रयोग किया गया है। तो ये कंपनी की वाइंडिंग है दोस्तों, इसमें अभी कोई छेड़खानी नहीं हुई है। तो चलिए हम लोग इसको फटाफट से खोल करके देखते हैं क्या इसमें दिक्कत है दोस्तों, खोल करके उसके बाद हम इसके टेस्टिंग को देखेंगे दोस्तों। खोलने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए ये तीन स्क्रू दिए हैं, इन तीनों स्क्रू को खोल करके हम इसको ओपन कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमने इसके स्क्रू को खोल दिया है और इस फैन को हम इस तरह से स्क्रू ड्राइवर की सहायता से ओपन करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा कंपनी का भी कसा हुआ है, थोड़ा दिक्कत होगा ओपन करने में। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से हम इसको स्क्रू ड्राइवर अंदर पेस्ट करके फिर हम इसको ओपन करेंगे दोस्तों। देखिए धीरे धीरे इस तरह से घुमा घुमा करके हम इसको ओपन कर लेंगे, देख सकते हैं आप लोग दोस्तों। देखिए दोस्तों ओपन हो चुका है, बिल्कुल ही अलग हो गया। और देखिए इसके अंदर का पार्ट है, इसको हम अलग कर देंगे। तो देखिए दोस्तों ये फैन का अंदर का रोड पार्ट है, तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, फाइनली इसको हम यहाँ से कैपेसिटर को अलग करके, तो देखिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसको ये जो पार्ट है इसको हम नीचे ठोक करके फिर हम इसको बाहर निकालेंगे रोटर वाले पार्ट को, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं मेरे दोस्तों, ये रोटर वाला पार्ट जो है आसानी से बाहर आ गया है, थोड़ा सा इसको वो करना पड़ेगा, ऊपर से ठोकना पड़ेगा। देखिए दोस्तों ये निकल गया है, बिल्कुल ही आसानी से ये बाहर आ गया है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें ग्रीसिंग वगैरह करना है तो हम उसको बाद में करेंगे, इसको पहले हम साइड में रख लेते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ये जो वायर है बिल्कुल ही जल चुका है। हम देखिए यहाँ पर ये जो अंदर ये तीनों वायर आए हैं, तीनों वायर में से एक वायर यहाँ पूरी तरह से बिल्कुल ही जल करके ब्लैक हो गया है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको फटाफट से खोलेंगे और इसके कंटिन्यूटी को चेक करेंगे, क्या इस फैन के वाइंडिंग में कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर फैन के वाइंडिंग में कंटिन्यूटी आएगी तभी हमारा फैन बन पाएगा, नहीं तो ये बन नहीं पाएगा दोस्तों। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, फटाफट हम इसको कटर की सहायता से कट करके इसको ओपन कर लेते हैं। फिर दोस्तों इस तरह ये चला है फैन की, ये पूरी तरह से हीट होकर के ब्लैक हो गया है, आप लोग देख सकते हैं किस तरह से जला है। अब बहुत ही प्यार से खोलना है दोस्तों, नहीं तो अलग से कोई वायर अगर टूट जाएगा तो बहुत ही दिक्कत होगा दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए हम इधर से यहाँ पर इसको कट कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इसमें वार्निश का प्रयोग किया गया था, बच गया है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं, देखिए कितना अच्छी तरह से फूक गया है। देखिए हम एक एक वायर को बहुत ही सावधानी से निकालेंगे ताकि दिक्कत ना हो दोस्तों। देखिए एक वायर हमारा यहाँ से निकल चुका है, अब इसको भी हम आसानी से ओपन करेंगे। और इसमें जितना लूप दिया दोस्तों सभी लूप का कनेक्शन हम लोग दोबारा करेंगे, क्योंकि किसी भी एक लूप का कनेक्शन अगर ना करें तो बाद में वो भी जल सकता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सभी लूप का कनेक्शन बारी बारी करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों चारों वायर का लूप हमारा मिल चुका है, देखिए यहाँ से चारों वायर का लूप मिल गया है। तो चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट इसकी कंटिन्यूटी को चेक कर लेते हैं, क्या इसमें कंटिन्यूटी बता रहा है कि नहीं दोस्तों। तो हम सीरीज से इसको चेक करेंगे दोस्तों, आप लोग ध्यान दें किसी भी प्रकार का टेक्निकल वर्क करते समय आप लोग सीरीज बोर्ड का ही प्रयोग करें। मैं बार बार हर वीडियो में आप लोगों से यही बताता हूँ कि आप लोग सीरीज बोर्ड का अवश्य प्रयोग करें। तो देखिए दोस्तों ये वाला हमारा क्या है, स्टार्टिंग का है, ये जो दोनों अंदर वाला पार्ट ये देखिए कवर से ढका हुआ है, इसके दो वाइंडिंग के जो हमारा छोर निकला हुआ है ये क्या है, स्टार्टिंग के हैं, और ये बाहर वाला जो है रनिंग का है। पहले हम स्टार्टिंग में चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ से हम रख करके, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर बता रहा है, यानी ये जो है सही है दोस्तों, रन स्टार्टिंग वाला बिल्कुल ही सही है। अब हम रनिंग वाले की कंटिन्यूटी को चेक कर लेते हैं एक बार, रनिंग वाले पर भी कंटिन्यूटी आ रहा है कि नहीं दोस्तों। तो देखिए हम यहाँ से रनिंग वाले भी को देख लेते हैं, देखिए